आज प्रस्तुत है दही मीट का व्यंजन। इसके लिए आधा किलो ताज़े बकरे का गोश्त लेंगे, उसमें 300 ग्राम दही मिलाएंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर सम्मिलित करते हैं, एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर सम्मिलित करते हैं, एक चम्मच हल्दी पाउडर सम्मिलित करते हैं, एक चम्मच जीरा पाउडर, स्वादानुसार नमक, दो तीन बार बार बड़े बड़े कटे हरी मिर्च, भुना हुआ प्याज एक कप सम्मिलित करते हैं। इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें एक चम्मच कस्तूरी मेथी का, इन सबको अच्छे से मिला के 2 से 3 घंटे के कमरे के तापमान पे छोड़ देते हैं। दो चम्मच सरसों का तेल सम्मिलित करते हैं। कुछ खड़े मसालों को तेल में सम्मिलित करते हैं। थोड़ा भूनेंगे इनको, जिससे मसालों का सार तेल में समा जाए। अब फांकी में कटे 1 कप प्याज को तेल में सम्मिलित करते हैं और सुनहरा होने तक भूनते हैं। एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च सम्मिलित करेंगे और करछी चलाते हुए मिलाएंगे। इससे व्यंजन की रंगत आएगी। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट सम्मिलित करते हैं और कुछ क्षण इनको भूनते हैं। कुछ क्षण भूनने के बाद इसमें मैरिनेटेड गोश्त सम्मिलित करते हैं। करछी चलाते हुए सबको मिक्स करेंगे। करछी चलाते हुए अच्छे से मिक्स करें। आँच तेज कर देते हैं और इसे कुछ क्षण के लिए पकाते हैं। कुछ क्षण पकाने के बाद दही से पानी पृथक हो जाएगा। ऐसे करते हुए लगातार चलाते हुए गोश्त को भूनते रहना है। तेज आंच पर 5 से 7 मिनट पकाने के बाद आंच को धीमी कर देंगे और ढक्कन लगा के पकाएंगे। बीच बीच में करछी से चलाते रहेंगे। इस मीट को पकने में लगभग 1.5 से 2.5 घंटे का समय लगता है। बीच बीच में करछी से चलाते रहें। यह उत्तर भारत में अत्यंत लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे दही और मसालों के साथ अच्छे से पकाया जाता है। यह आपको उत्तर भारत के लगभग सभी रेस्टोरेंट और ढाबों में परोसा जाता है। यदि आप मटन की गाढ़ी तरी पसंद करते हैं तो यह आपको अवश्य बनाना चाहिए। आज की प्रस्तुति में हम बहुत ही आसान विधि से दही मीट की रेसिपी को बना रहे हैं। अगर ये आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अच्छे से पकाते हैं।
इस व्यंजन में पानी का प्रयोग नहीं किया जाता है। मांस को दही में भुना जाता है। अंत में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ग्रेवी को कंसिस्टेंट करने के लिए दही धीरे धीरे पक के घी छोड़ेगा, जिससे ग्रेवी की रंगत बहुत ही अच्छी हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा देते हैं और आंच धीमी करके 5 से 7 मिनट के लिए पकाते हैं। ढक्कन हटाते हैं और हम इसमें थोड़ा सा ताजगी के लिए हरा धनिया सम्मिलित करेंगे। बीच बीच में चलाते रहें। हरा धनिया सम्मिलित करके करछी से चला के अच्छे से मिलाएं। इस तरह हमारा दही मीट की रेसिपी बन के तैयार है। इस व्यंजन का लुफ्त लेने के लिए मिट्टी के बर्तन में परोसें। इसे आप चावल, सलाद और गेहूं की मोटी रोटी के साथ खाएं। बकरे का गोश्त पसंद करने वालों से मेरा अनुरोध है कि एक बार दही मीट की इस रेसिपी को अवश्य बनाएं और आनंद लें। चावल, सलाद और रोटी के साथ परोसें। अगर यह व्यंजन आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।